ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। कनिका ठाकुर ने चखा निस्वार्थ प्रेम, गंगूबाई की पीड़ा को दूर किया CBN ने, और एक सुंदर गाना आज एक नई जिंदगी पर। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर। और मैं हूं आशिमा। आज समीर और मेरी तरफ से आप सबका एक नई जिंदगी में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए मैं एक सवाल लेकर आया हूं। क्या आप किसी से या कोई आपसे बेशर्त प्रेम कर सकता है? क्या यह मुमकिन है? क्योंकि हम जानते हैं कि बिना कंडीशन के या हमारे मूड्स के उतार चढ़ाव, परिस्थितियों के अलावा, क्या यह मुमकिन है कोई आपसे बेशर्त हमेशा प्रेम करता रहे? समीर, मुझे लगता है कि आजकल की दुनिया में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग रिश्तों को निभाने के लिए एक दूसरे को खुश रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हम दूसरों के लिए कुछ ऐसा करें कि वो खुश रहें, और देखा जाता है कि समय के साथ साथ वो दूरियां बढ़ जाती हैं और लोगों के गहरे से गहरे रिश्ते में भी दरार पड़ जाती है। मगर कोई है जो आपसे बेशर्त प्रेम करना चाहता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमसे ऐसा प्रेम करता है जो कभी कम नहीं होता, और उसका प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है। कनिका ठाकुर ने अपनी जिंदगी में ऐसे बेशर्त प्रेम का अनुभव किया। आइए देखते हैं कनिका की कहानी, जो हमारी प्रोड्यूसर महिमा भट्टराय लेकर आई हैं फरीदाबाद से। कनिका दिल्ली के एक हिंदू परिवार में जन्मी थी। हर सुबह वो स्कूल के लिए तैयार होती और सुबह की प्रार्थना कर वहाँ के लिए निकल पड़ती। और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, और शुरू से ही मेरा स्वभाव बहुत शांत था, और स्कूल में भी मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, और घर में जाके भी वापस मेरी लाइफ बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाती थी। फिर वही पढ़ाई करना, थोड़ा घर का काम करना, मम्मी की हेल्प कराना। उनकी पढ़ाई एक कैथोलिक स्कूल में हुई थी। वहाँ पर स्कूल के चैपल की शांति उनको अपनी तरफ आकर्षित करती, और वो अपने मध्यांतर का समय वहाँ पर बैठकर उसी शांति का अनुभव किया करती। कनिका का चर्च जाना स्कूल तक ही सीमित था, क्योंकि कैथोलिक स्कूल था तो हम लोग जाया ही करते थे वहाँ पे। और उनको कभी आके ऐसा नहीं बोला कि हम चर्च में गए, चैपल में गए, क्योंकि पता था कि कैथोलिक स्कूल है, इसलिए उनको भी, उन्होंने भी एज्यूम करके रखा था कि हम वहाँ जाते ही होंगे। मुझे ना बुरा लगा ना अच्छा लगा, क्योंकि बहुत छोटी थी जब इसने जाना शुरू किया था वहाँ, जब इसने नर्सरी में एडमिशन किया था। जब उन्होंने काम करना शुरू किया, उस समय उनके एक सहयोगी ने उन्हें बाइबल से परमेश्वर का वचन सुनाया। वो हर दिन थोड़े समय के लिए उनसे बात करता और उनके साथ प्रार्थना किया करता। कनिका ने बाइबल को एक उपहार के तौर पर स्वीकार किया और ये प्रतिज्ञा की कि वो हर रोज उसे पढ़ा करेंगी। कनिका ने घर पर बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। एक रात उन्होंने सपने में देखा कि यीशु उनको अपने पीछे आने के लिए कह रहे हैं। मैंने एक विजन देखा जिसमें यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा के मुझे अपनी तरफ इशारा कर रहे थे और बोल रहे थे कि मेरे पीछे चले आओ, जस्ट फॉलो मी। तो जब मैं सुबह उठी तो मुझे इतना नहीं पता था कि ये सच में ये विजन है क्या है। मैं जस्ट अगले दिन जब मैं चर्च गई तो कोई एक आंटी थी जो चर्च में विजन को अपना बता रही थी कि मैंने सपने में ऐसे देखा। तब मुझे जाके समझ में आया कि ये एक विजन था और प्रभु यीशु मुझसे बातचीत कर रहे थे उस विजन के द्वारा, और वो चाहते हैं कि मैं उनके पीछे आऊं। सपने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो बपतिस्मा लेंगी, लेकिन उसके लिए अपनी माँ को मनाना उनके लिए किसी संघर्ष से कम नहीं था। जब मैंने उन्हें पहली बार बताया कि मुझे वाटर बैप्टिज्म लेना है, तो वो बहुत ही नाराज़ हुई और उन्होंने मुझे बोला कि अगर वाटर बैप्टिज्म लिया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी या वो खुद घर छोड़ के चली जाएंगी। उनको इस बात का भी ज़्यादा डर था कि बाकी जब रिलेटिव्स हैं आसपास, वो लोग सब क्या कहेंगे कि धर्म चेंज कर लिया अपना। लेकिन मैं हमेशा प्रार्थना करती थी प्रभु यीशु से कि उनके दिल को छुए, क्योंकि जो मैंने पाया है वो भी उसको जान नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। मुझे अच्छा नहीं लगा था, और इसलिए मुझे शायद इसका चर्च जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था कि शायद वो लोग गलत बात सिखा रहे हैं। मैंने कुछ दिन तो इसके साथ बात ही नहीं की। आखिर माँ बाप को हारना पड़ता है, तो बेटी के आगे मैं भी हार गई।
कभी कभी डाउट्स मन में आते थे जब फैमिली से बहुत प्रेशर मिलने लगता था. सबसे ज्यादा तो कंसर्न मेरी मम्मी को यही था कि मेरी शादी का क्या होगा, अगर मैंने क्रिश्चियनिटी, अगर मैंने धर्म अपना लिया और तो फिर मेरी शादी नहीं होगी. उनको बहुत डर था. धीरे धीरे उनके परिवार में बदलाव आने शुरू हो गए. वो उनके बपतिस्मे के लिए राजी हो गई. मैं राजी हुई क्योंकि ये थोड़े दिन घर में उदास रही. उसने मुझे थोड़ा समझाया कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता है बपतिस्मा लेने में. माँ से पूरी रजामंदी मिलने के बाद फिर पास्टर ने उनको बपतिस्मा लेने से पहले कुछ सलाह दी. हमने उनको सजेस्ट किया था कि जो हमारा युवा सभा है उनसे शामिल होने के लिए, ताकि धीरे धीरे वो प्रभु में बढ़े, वचन में बढ़े और प्रभु को और करीब से जाने. तो ये हम सजेस्ट किए थे उनको. आखिरकार कनिका ने बपतिस्मा ले ही लिया. एक बात का दुख था कि मेरे परिवार से कोई नहीं था वहाँ पे, लेकिन मुझे ये पता था कि प्रभु यीशु हैं और मुझे देख रहे हैं. बहुत उत्साहित थी मैं उस टाइम कि मुझे प्रभु ने छुआ है और मुझे चुना है और मैं चुनों में से एक हूँ. बपतिस्मा लेने के बाद कनिका की यीशु के प्रति वचनबद्धता और बढ़ती गई. फिर जल्दी ही उनकी शादी भी हुई और उनका मसीही जीवन शांति और आनंद के साथ चलने लगा. आज वो एक 2.5 साल की बच्ची के साथ आशीषित हैं और अपनी प्रार्थना और परिवार के लिए पूरी तरह से समय निकाल पा रही हैं। तो मेरी डॉटर, उसका नाम अनवी है, उसका नाम अनवी डेबोरा रखा है. और एक सच में एक आशीष है प्रभु की तरफ से. अभी इतने छोटे में ही वो जिस तरीके से प्रभु के गीतों को गाती है, रिजॉइस करती है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है देख. मेरी बच्ची जैसे स्कूल जा रही है आजकल, तो कनिका उसे हमेशा सिखाती है कि कैसे प्रार्थना करनी है आपने, और उसे स्पिरिचुअली बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया. और इसी तरह से जो है कनिका ने मुझे हर टाइम हेल्प किया. प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि जो मेरी बॉस है उन्होंने बोला ठीक है तुम घर से भी काम कर सकती हो, तो अब मैं घर से ऑफिस का भी काम कर सकती हूँ, अनवी को भी देख सकती हूँ, उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद कर सकती हूँ उसके डेवलपमेंट के लिए. कनिका अपनी माँ और अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया करती हैं, ताकि वो भी सच्चे परमेश्वर को पहचाने और उनको अपने जीवन में स्वीकार करें. दोस्तों, आपने देखा कि कनिका ने अपने जीवन में बिना शर्त के प्रेम को आखिरकार पा ही लिया. वो काफी वक्त तक भटकती रहीं, सोचती रहीं कि क्या उनको कभी बिना शर्तों का प्रेम मिल सकता है, लेकिन फिर उनको अपनी जिंदगी में बिना शर्तों का प्रेम मिला. हो सकता है आज आप भी ऐसे ही मोड़ पर खड़े हों जहां आपको लगता हो कि कोई ऐसा नहीं है जो आपसे बिना किसी शर्तों का प्रेम करे, अनकंडीशनल लव करे. लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही हो सकता है जैसा कि कनिका की जिंदगी में हुआ. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है, हम सबसे वो बेहद प्रेम करता है. हम सब पापी हैं, कनिका भी पापी रही है, हम सब पापी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कोई कंडीशन डाल के हमसे प्रेम नहीं करता. शास्त्र ये कहता है कि जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे लिए मरे. कोई भले आदमी के लिए शायद कोई मरने का साहस कर ले, लेकिन जब हम पापी ही थे यीशु हमारे लिए मरा. आप जैसी भी परिस्थिति में हो, आज आप यीशु के इस अनकंडीशनल प्रेम को स्वीकार कर सकते हो. आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे. आप जहां कहीं भी हैं इस समय आप यीशु में विश्वास कीजिए और एक चमत्कारिक तरीके से परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में आकर बस जाएगा. आइए हम प्रार्थना करें. परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे भी हैं आप हमसे बेहद प्यार करते हैं, जैसे आपके आपने कनिका की जिंदगी में किया. हम मांगते हैं प्रभु सारे दर्शकों के लिए इस समय जो शायद भटके हुए हैं, जो निराश हैं, जो सोच रहे हैं कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं मांगता हूं इस समय कि वो तुझ में विश्वास करेंगे. प्रभु, तूने अपनी जिंदगी दे दी ताकि हम इस बेशर्त प्रेम को स्वीकार कर सकें. हर एक जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहा है प्रभु, हम मांगते हैं कि इस समय वो तुझ में विश्वास करके इस प्रेम को स्वीकार करेंगे. वो जानेंगे कि परमेश्वर तू है, वो अकेले नहीं है, तेरा प्रेम उनके लिए सदा है. यीशु मसीह, हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं. आमेन. आमेन. अगर आज आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया है, तो जान लीजिए कि आपके जीवन में वो प्रेम आने वाला है जिसकी अब तक आपको तलाश है.
अगर आप यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं, जब आप हमसे संपर्क करते हैं, आप हमसे ये पुस्तक गॉड इज अ गुड गॉड या मेरा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है ये पुस्तक हमसे मंगवा सकते हैं। ये पुस्तक हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और आप इसे SMS के द्वारा मंगवा सकते हैं या आप चाहें तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं cbnindia.tv पर और ये हमसे मंगवा सकते हैं। हम जानते हैं कि कनिका की कहानी से आप प्रभावित हुए हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है जहां आपने परमेश्वर में विश्वास किया और आपने परमेश्वर का चमत्कार अपनी जिंदगी में महसूस किया है, अनुभव किया है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी कहानी हम तक लेकर आएं। आपकी कहानी के द्वारा हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर सचमुच भला है। अपनी कहानी हम तक पहुंचाने के लिए आप लॉग ऑन जरूर करिए हमारी वेबसाइट पर। पर अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे एक नई जिंदगी में। परेशान और अकेली गंगूबाई की सहायता करने पहुंची CBN की टीम इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिना शर्तों के प्रेम के बारे में। हो सकता है कि हमारे अपने हमसे मुंह मोड़ लें, लेकिन परमेश्वर हमें कभी त्यागता नहीं है, हमें कभी छोड़ता नहीं है। इसके बारे में गंगूबाई और बेहतर तरीके से बता सकती हैं। जब उन्हें सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत थी, उसी समय उनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें त्याग दिया। लेकिन परमेश्वर भला है, उसका प्रेम सदा के लिए है। CBN की टीम के द्वारा परमेश्वर ने गंगूबाई की जिंदगी में मदद लेकर आई। हमारे प्रोड्यूसर डैनियल गंगूबाई की कहानी हमारे लिए लेकर आए हैं। आइए गंगूबाई की कहानी हम देखें। गंगूबाई अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही थी, लेकिन फिर पेट में जबरदस्त दर्द होने की वजह से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अपनी शादी के 4 साल बाद बदकिस्मती से मैं 7 साल तक बिस्तर पर रही। परेशान होकर मेरे पति 2 बच्चों को अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि सारा काम अब उनके कंधों पर आ गया था। अपनी सेहत और अपने परिवार को गंवा देने के बाद गंगूबाई लाचार हो गई। वो अकेले ही ये सब सह रही थी। तभी एक दिन पास्टर मेरे पास आए, मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे बेहतर महसूस होने लगा। गंगूबाई हिम्मत बटोर कर घर से बाहर निकली ताकि कुछ काम करके रोजी कमा सके, पर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी एक दूर दराज खुले कुएं से पानी लाना। हालांकि मैं बीमार हूँ और मेरे पेट में दर्द है, फिर भी मैं पानी लेने के लिए गांव वालों के साथ बड़ी मुश्किलें उठाकर जाती ही हूँ। जब मैं पानी लाती हूँ तो उसके बाद खाना पकाकर काम पर जाती हूँ, क्योंकि अगर मुझे देर हो जाती तो वो उस दिन की दिहाड़ी नहीं देते हैं। गंगूबाई ये सोचकर निराश थी कि उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। बस तभी उन्होंने एक फैसला किया। इस हताशा की हालत में मैं एक चर्च गई, जहां पास्टर ने मुझे प्रभु यीशु में उम्मीद प्रदान की। उन्होंने हमसे कहा कि हम उम्मीद न छोड़ें और प्रभु यीशु की प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी और हमें शांति मिलेगी। गंगूबाई अपने जीवन में परिवर्तन की उम्मीद लगाए हुए थीं, तो उन्होंने घुटनों पर झुककर अपनी समस्याएं यीशु को बताईं। उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि कुछ ही दिनों में CBN फाउंडेशन उनके गांव में आया और उसने वहां एक कुआं खोदा। यीशु ने हमारी प्रार्थना सुनी। CBN हमारे गांव आया, उसने हमारी जगह का सर्वेक्षण किया, वहां कुआं खोदा और पानी 50 फुट की गहराई पर निकल आया। मैं प्रभु यीशु की आभारी हूँ और मैंने उन्हें परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया है। मदद के लिए मैं CBN फाउंडेशन का धन्यवाद करती हूँ। अभी अभी आपने देखा किस तरह CBN की टीम ने गंगूबाई की मदद की। इसी तरह CBN देश भर में अलग अलग जरूरतमंद लोगों की सेवा करता आ रहा है। आपकी मदद से ये सेवा मुमकिन है। हम चाहते हैं कि किस तरह आप पार्टनर्स मदद कर रहे हैं ऐसी सेवा में, उसकी झलक आप देखें। CBN फाउंडेशन के साझेदार बनिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन कैसे
कहां जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से सीबीएन पार्टनर्स हमारी सहायता करते हैं ताकि हम जगह जगह जाकर लोगों की सहायता कर सकें। आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी सहायता के जरिए ही मुमकिन हो पाता है कि लोगों तक हम उनको सहायता पहुंचा सकें। अगर आपने अब तक हमारी सहायता नहीं करी है तो आप ऐसा कर सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आप चाहें, हमारा पता नोट करें और अपना योगदान हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। आप अपना चेक, डीडी या मनी ऑर्डर हमें सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर इस पते पर भेज सकते हैं। सीबीएन फाउंडेशन, पीचट्री कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR 122009, भारत। ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉग ऑन कीजिए www.cbinindia.tv पर। अब समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, हम आपसे फिर मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। आपके भेजे मैसेजेस, आपके लिए प्रार्थना और एक स्पेशल गाना इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हमने आपको परमेश्वर के बिना शर्तों के प्रेम के बारे में बताया है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप इस बात को याद रखेंगे कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं है, परमेश्वर हर पल हर समय आपके साथ है। दोस्तों, ये प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमें खुशी है कि आप अपने प्रार्थना निवेदन हम तक पहुंचाते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। इस समय हम आपके कुछ रिक्वेस्ट को पढ़ेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। पहला रिक्वेस्ट आया है अनी पूनम रश्मि से। वो लिखती हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत मुश्किलात हैं, 4 साल हो गए उनकी शादी को और पति अब ऐसा लगता है कि प्रेम नहीं कर रहे और वो छोड़ना चाहते हैं और वो चाहती हैं कि हम प्रार्थना करें। हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास 2 और SMS आए हैं और ये SMS हमें भेजा है क्लेमेंट ने और वो लिखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में अक्सर रोते रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनसे प्रेम नहीं करता है और उनको वो अपनी ज़िंदगी में आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना चाहते हैं। उसके साथ साथ हमें विद्या ने एक SMS भेजा है और विद्या लिखती हैं कि उनके पिताजी उनको हर समय कर्ज करते रहते हैं, वो नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो इस दुनिया के लिए बनी नहीं है, वो हमेशा रिजेक्शन को फेस करती हैं। तो विद्या, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे और क्लेमेंट के लिए भी, और जैसा हमने हमारे दर्शकों को बताया है, आपको रिजेक्टेड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आपसे करे ना करे लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम ज़रूर करता है। लेकिन हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे और इस समय TV स्क्रीन पर जो आप नाम देख रहे हैं, हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रार्थना भवन में निरंतर आपकी एक एक रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना की जा रही है, इसलिए इस समय हम इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम चाहेंगे आप सब हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हों। आइए हम दुआ करें। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस दिन के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं इस वक्त समय निकालकर क्लेमेंट और विद्या के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत रिजेक्टेड फील करते हैं परमेश्वर। क्लेमेंट अपनी ज़िंदगी में आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं प्रभु, बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप इनके साथ हों और प्रभु होने दें कि इनकी ज़िंदगी में जो कमी घटी है परमेश्वर, उसको आप दूर कर सके। हम विद्या के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके पिताजी इनको किसी वजह से कर्ज करते रहते हैं परमेश्वर। हम इनके पिता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनकी बुद्धि को खोलें प्रभु, और होने दें कि वो अपनी बेटी से प्यार कर सकें प्रभु, उसको समझ सकें प्रभु, उसको एक मौका दें कि वो उनके लिए कुछ करके दिखा सके परमेश्वर। और हम विद्या के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप विद्या को साहस देंगे प्रभु, और होने देंगे कि वो आपके प्रेम को जान सके। इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। हम अन्नी पूनम के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे वो अपने वैवाहिक जीवन में संघर्ष कर रही हैं प्रभु। हम जानते हैं कि तू प्रेम का परमेश्वर है, इस समय हम मांगते हैं कि इस वैवाहिक जोड़े को तू संभाल कर रखेगा प्रभु, जो भी समस्या है उसके बीच में आ प्रभु और एक हल लेकर आ, कि वो देखेगी और जानेगी प्रभु कि तू प्रेम का परमेश्वर है और तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आ उस परिवार में तेरी आशीष को तू लेकर आ यीशु मसीह, हम तेरे नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि परमेश्वर प्रेम है और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें और प्रार्थना के बाद भी आप खुद भी अपने परिवार वालों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ प्रेम के साथ रहें, क्योंकि हम वैसा ही चाहेंगे कि लोग हमारे साथ उस तरीके से पेश आएं जैसे कि परमेश्वर हमसे पेश आता है।
हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर भी हमसे बात करना चाहता है और वो अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। इस समय हम चाहते हैं कि आप इस वचन को सुने, पढ़िए और अपने अंदर स्वीकार कीजिए, वो आपको जरूर मजबूत करेगा। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम आपसे इजाजत लें। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम से परमेश्वर के प्रेम को आपने नए तरीके से अनुभव किया है। जाने से पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं जेनिफर की मधुर आवाज में ये गीत, खुदा ने हमसे। इसे सुनिए, इसका आनंद लीजिए और हमें इजाजत दीजिए। जय मसीह की, जय मसीह की।